टीम ओडिया मनोरंजन भिन्न स्वाद ओडिशारे जेपरी विषुव संक्रांति ठारु वर्ष आरंभ हुए दक्षिणरे मकर संक्रांति ठारु वर्ष आरंभ हुए। मकर संक्रांति कौनसी गोटे आंचलिक पर्व नुहे, एहा समग्र भारत वर्षर गोटे बड़ पर्व। भारत बाहर रोमान एवं इहुदी माने मध्य एही पर्व पालन करती। सौरमान गणना अनुसार संक्रांति को मासर प्रथम दिन हिसाब से गणना कराए। मकर संक्रांति माघ मासर प्रथम दिन एवं आमर एक स्मरणीय पर्व। समग्र भारतर विभिन्न अंचल अपेक्षा दक्षिण भारत में मकर पर्व सबुठारु बड़ पर्व। दक्षिण रे एहाकु पोंगल बोली कहंती। सेदिन दक्षिण भारतर प्रत्येक परिवार एही उत्सव पई आनंद मुखरित हुए। एही पर्वटिकु सेमाने तीनी दिन धरी पालन करंती। ओडिसारे जेपरी अग्नि उत्सव हुए, ठीक सेहीपरी मकर संक्रांतिर पूर्व दिन रातिरे सेमाने अग्नि जाळी सेही नियारे पानी गरम करी परिवारर प्रत्येक सदस्य स्नान करंती। सेदिन दक्षिण भारतरे परिवारर प्रत्येक लोकंक पई नुआ लुगापटा हुए। दक्षिण भारतरे एही पर्व पालनर आउ एक वैशिष्ट्य हैला जे मकर संक्रांति दिन आमर महालय श्राद्ध परी सेमाने निजर पितृपुरुषंक पिंडदान करंती। कर्णाटक एवं महाराष्ट्रर अधिवासी माने मकर पर्व को दुई दिन धरी पालन करंती। एही पर्व रे परिवारर प्रत्येक लोक नववस्त्र परिधान करी देवादेवीक मंदिर को जाय तांकर दर्शन करंती। मकर संक्रांति समय को अमल होइथिबा नुआ गुड़ तिल चीनाबादाम इत्यादि सुस्वादु भोग सामग्री प्रस्तुत कर देवतांक निकट रे निवेदन करंती। पर्वर द्वितीय दिन सेमाने किंक्रांति बा संक्रांतिर सानु भूणी बोली विवेचना करंती। सेदिन सौभाग्यवती महिला माने सकाळ स्नानादि समापन करि गहम राशि चीनाबादाम गुड़ इत्यादि प्रस्तुत होइथिबा मिष्टान एवं राशिर तयारी हालुआ ठाकुरंक पाखरे प्रीति उपहार स्वरूप दियंती। एहा छड़ा सेमाने परस्पर मध्यरे सिंदूर मिष्टान दियानिया होई आनंदित हुवंती। संध्यारे छोट पिलामानंक मुंडरे एवं गळारे राशि हालुआर मुकुट एवं हार करी पिंधाई सेमाननकु खुशी करंती, जहा देखि बड़माने मध्य आनंदित हुवंती। बिहारर सिंहभूमिरे मकर संक्रांति गोटिए बड़ पर्व। ओडिशार आदिवासी अंचलरे मकर संक्रांति पर्व सेमाने खूब जाकजमकरे पालन करंती। विशेषतः मयूरभंज जिलार सांताल संप्रदायर आदिवासी अधिवासी माने एही पर्व को तीनी दिन व्यापी पालन करंती। मकर पर्व रे सेमानंकर सर प्रतियोगिता हुए। गोटिए गच्छ को पूजा करी सेठारे भोग इत्यादि निवेदन करी सेमाने सेही गच्छ को लक्ष्य करी सर निक्षेप करंती। जहार तीर गच्छर निर्दिष्ट स्थल रे विद्ध हुए सेमाने ताकु सम्मानित करी नुआ लुगा पिंधी पेटे खाइबाकु दे ताकु मुंडरे बसी बाजा बजी साही साही बुलांती। मकर संक्रांति ठारु सूर्यंकर उत्तरायण गति हुए। सूर्य मकर राशि को आसी विषुव रेखा आड़ को क्रमशः गमन करती। ओडिया रे गोटे प्रबाद अछि, मकर दिन ठारु बकर हुए, अर्थात एही संक्रांति ठारु दिन क्रमशः छोट हुए। सूर्यंकर तेज मध्य संक्रांति ठारु प्रखर हुए। हिंदू मानंकर गोटे विश्वास जे सूर्यंकर उत्तरायण गति समय रे जो मानंकर परलोक हुए सेमानंकर स्वर्गलोकर गतिपथ सुगम होई जाए। मकर संक्रांति ठारु सूर्यंकर उत्तरायण गति होइथिबारु आलोक एवं जीवनर उच्च सूर्यंकु हिंदू गृहस्थ माने सेदिन पूजा अर्चना करंती। केतेक स्थानरे सेदिन शिवंकु मध्य पूजा अर्चना करा जाए एवं केतेक स्थानरे उभय शिव एवं सूर्यंकु पूजा करंती। शिव पूजा करिवार उद्देश्य हैला शिव मंगलमय एवं सूर्यंकु पूजा करिवार उद्देश्य हैला सूर्य सर्वशक्तिर आधार। मकर संक्रांति पर्वटी ओडिशार हिंदू घरमानंकरे पालन करा जाए। संक्रांति दिन देवादेवीक निकटरे होम करी मासटी शुभरे कटिबापई सेमाने देवतांक निकटरे प्रार्थना करंती एवं गृहर वास्तुदोष एवं शांति रक्षापई होम मध्य करंती। मकर संक्रांति समय को ओडिशारे आखु धान एइबळी नुआ फसल अमल सरि जाइथाए, तेणु सेदिन अरुआ चाउल नुआ गुड़ छेना नड़िया कदळी घी क्षीर इत्यादि दे गोटे सुमिष्ट भोग प्रस्तुत कराए देवी देवतांक निकटरे अर्पण कराए एवं एहाकु मकर चाउल मध्य कुहा जाए। एही चाउल भोग हेबा सहित साही पड़िसारे आनंदरे समस्ते बांटी खाती। दुर्वासा ऋषि एही व्रत पालन संपर्करे कृपिंकु जहाँ कहिथिले से विषय ब्रह्मांड पुराणरे निमुक्त प्रकारे उल्लेख कराइछि। एही व्रत पालनकारी प्रथमे भूमिकु लिपि पोछि परिष्कार करिबे, ता उपरे गोटे स्वस्तिक चिन्ह आंकिबे, सही चिन्ह उपरे किछि गहम बा अक्षत रखिबे,
ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଧିଭାଣ୍ଡ ରଖାଯିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତଧାରୀ ସେଠାରେ ନିଜର ପବିତ୍ର ମନରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବୋଲିବେ। ତାପରେ ସେହି ଦଧିକୁ ମନ୍ଥନ କରାଯିବ। ମନ୍ଥନ ପରେ ସେଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରତିମା କରାଯାଇ ପୂଜା ହେବ। ଦଧିଭାଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର, କୁଙ୍କୁମ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇ ସଜାଯିବ। ଭାଣ୍ଡ ଦେହରେ ଫୁଲର ହାରଟିଏ ପିନ୍ଧାଯିବ ଏବଂ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧାଯିବ। ଦଧିଭାଣ୍ଡରେ ଦେବୀ ଏବଂ ଦଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆବାହନ ରଖାଯାଏ। ତାର ଆଠ ଦିଗରେ ଆଠଟି ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। ସେଠାରେ ଖଇ, ଆଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରି ବ୍ରତଧାରୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଧି ମନ୍ଥନ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଦୁର୍ବାସା କୃପିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କୃପି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ବୀର ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରଚାରୀ। ଏହି ପର୍ବ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଆମର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁଷ୍କଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ନିରୋଗ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଛି। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।